व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ वेरी ऑन बैन अल्फा। और अब हम निकल रहे हैं बहुत ही बढ़िया सी एक बाइक कवर करना। वो बाइक मेरे हिसाब से इंडिया में दो या तीन ही हैं, और वो हमारे बहुत ही स्पेशल भैया की बाइक है। दो या तीन ही हैं, और कौन सी है वो मैं आपको वहीं जाके दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं उस अनोखी बाइक को कवर करना। हमने आयुष को भी बुलाया बिकॉज हमारा भाई है, और वो भी एक व्लॉग बनाने का, ऐसे मेरे बिना आयुष भी कम निकलता है व्लॉग्स बनाने। तो मैंने कहा अभी कुछ दिन रह गए हैं तो दोनों भाई साथ में जाके व्लॉगिंग खेलें। तो हम निकल गए हैं, हम पहले भावुकलाता मिलेंगे, भावुकलाता में भैया आएंगे और वहाँ से हम फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो गाइस, पावर तो आप लोगों को पता ही है कि इसका कोई कम कंपैरिजन नहीं है। जय माता दी। और जो दूसरी वाली बाइक है, मैं आपको हिंट देता हूँ तब तक जब तक हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, उससे पहले कि वो बाइक 1600 cc है, 1600 cc, और 400 किलो की बाइक है भाई। 400 किलो मतलब क्लोज टू 358-359 केजी इसकी बाइक है। तो जो लोग अभी भी गैस कर पा रहे हैं, गैस कर जाओ भाई, और जिनसे गैस नहीं हो रहा तो ब्लॉग एंड तक देखो, आप लोग समझ जाओगे कि वो क्या पावरफुल मस्त। एक बैग और ऑर्डर किया है गाइस यूके से। कुछ लोग अगर गैस कर सकते हैं गैस करो, वो बैग जो है वो मोटोग्राफर यूज़ करते हैं, मतलब संदीप गुज्जर सर यूज़ करते हैं उस बैग को फॉर मोस्ट ऑफ हिज इंटरनेशनल राइड्स आल्सो एंड इंडियन रोड ट्रिप्स आल्सो। तो जो लोग समझ गए कमेंट करके बताओ, हम एक गिव अप भी करेंगे, बट उसका नहीं करेंगे क्योंकि वो बैग बहुत कॉस्टली है। हम काबानाडो का करेंगे, वील अप्रोच काबानाडो आल्सो, कि भाई हम तो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं, थोड़ा स्पॉन्सरी करो, स्पॉन्सरी। और ये बस वाले भैया बिल्कुल चबाट बीच में चलाते हुए। हमको अपने अभिषेक भैया और उनकी बाइक, मेरे को नाम बार बार ही भूल जाता है यार, ये 1600 समथिंग है BMW का, प्रॉपर अच्छे से याद है। चला रही है आंटी, डाउट ही नहीं है। गाइस पीछे इसमें जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा मिरर में मैं बता नहीं सकता, बट बहुत ही मैसिव जिसको बोलते हैं वैसी बाइक है ये। भैया को आगे जाने का इशारा देते हुए कह रहे आगे रुकेंगे। मस्त है सर, मैं बता रहा हूँ, फकिंग लुक्स लाइक अ 10-inch टैब ऑन इट। चलो वील स्टॉप देयर ओनली, पिट स्टॉप पे ब्रेक लेते हैं। पिट स्टॉप, पिट स्टॉप, पिट स्टॉप।
स्टॉप में पिट स्टॉप लेंगे और वहीं पे हम ये चेकआउट करेंगे तबाही को। तब तक के लिए आप ये रोड एंजॉय करो, ये लीन एंजॉय करो, बिकॉज कुछ टाइम बाद तो हम दोनों सवारियां लेके चले जाएंगे यहाँ से। फिर यहाँ के लिए मुझे लग रहा है कुछ और ना खरीदना पड़ जाएगा, कि जब जब घर आए, घर भी एक बाइक होनी चाहिए ना भाई। एक स्विफ्ट वाली दीदी आंटी है, आंटी चला रही है, आंटी पक्का आंटी चला रही है। हाँ मेरे को पता था आंटी चला रही है, देखो यस आंटी चला रही थी आंटी। तो अभी निकलते हैं। नहीं होगा नहीं होगा भाई, ऐसे छपरी वाले मत करो। और ऊपर से मेरे को अपने फोन का इतना ज्यादा खतरा ना कि गिरे ना भाई। मेरी फोन जो जेब का पॉकेट की जिप हो तो आई विल ड्रॉप कर दूं। तो देखो ये बात मानने वाली, देखो आप जितनी मर्जी सीसी की बाइक हो ना, अगर आप एक अच्छे राइडर हो ना, एक अच्छे राइडिंग कम्युनिटी या ग्रुप से बिलोंग करते हो ना, तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ओवर या पावर बिहेव नहीं करोगे। एंड चेक करें रिएक्शन भाई, गजब। ओह इंसेन ब्रो, हां भाई एक लीन हम तो नहीं कर रहे, फक लीन खराब हो गया, बहुत बहुत गंदा लीन खराब हुआ। ओह डोंट डू नहीं, अरे नहीं करो मेरी जान, मान ही ना तू फ्लाई भाई। ओह फक, जो धमाका निकला ना भाई, गजब। सारे मास्क में घूम रहे हैं, हेलमेट छोड़ दिया। क्या नाम है गैंग का? कोई नाम होगा ना? दी लेजेंड्स, मास गैंग है। तो भाई लोग GTL देख के रुक गए। आज इसकी बड़ी अम्मा BMW K1600 GTL ग्रैंड अमेरिका, GT ग्रैंड अमेरिका। GTL अलग मॉडल है, गाइस ये देखो, ये एक जीता जागता काउच है। इसके आगे की TFT स्क्रीन इज अराउंड 10 ऑड इंचेस। स्पीकर्स, और मैं तो मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या क्या है। पीछे भी स्पीकर्स, पीछे वाले के लिए कंफर्टेबल बैक रेस्ट। पैनियर्स कितने हैं इसके? पैनियर्स और 20 लीटर्स अप्रॉक्स, 20-30 लीटर के इसके पैनियर्स हैं। वो मैं तो हेलमेट तो आराम से आ ही जाए। दो हेलमेट दो आ जाएंगे। भाभी को लेके गए? अभी नहीं, नहीं टाइम ही नहीं है। साइड में भी पैन है। तो नीचे इसका एग्जॉस्ट देखो, BMW का एग्जॉस्ट। ये थोड़ा इसका फ्रेम उसकी तरह नहीं है अपना 1800 जो है BMW की नेकेड? नहीं नहीं, बिकॉज चेसी उसके बेस पे लग रहा था मुझे। 1600 की चेसी डिफरेंट है, और ये आगे मैसिव इसका। ओए 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 ओए। ये कीलेस बाइक है ना? V4S भी कीलेस होनी चाहिए थी। हीटेड सीट्स, स्वीट भैया। एंड दिस इज फॉर टाई डाउन्स? नहीं इसका वो, अच्छा द हिंज। हाँ हाँ हाँ, इसको आगे से विद भैया परमिशन बटन दबा के देखें। मेक लाइफ अ राइड, नो डाउट्स टू दैट। तो इस पे तो YouTube वीडियो भी चलती होगी। नहीं।
हाँ वो उसमें भी मेरी वाली में दिखा रहा भाई सब है इसमें यार बेसिक सारे फीचर्स हैं। इसका स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया आपने? स्क्रीन गार्ड भी आता है नहीं, वेट कर रहा हूं मैंने निकाला मैंने भी ये मंगाया है एक इसका एक सेकंड मेरे पास पड़ा है इसका स्क्रीन गार्ड ये भी एडजस्टेबल है ऊपर होता होगा ना ओ इट्स इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सो गाइस ये जितना ऊपर जाता है उसका उतना आपको विंड ब्लास्ट कम आएगा एंड फक वाओ और रिवर्स कैसे है न्यूट्रल प्यूट्रल कुछ है भगवान की दया से इसमें कंपारी है और जैसे आप देख सकते हैं ये है GTL ग्रैंड टूरिस्मो सेकेंड कुछ नहीं हुआ लॉक है अभी भी अच्छा की आपके पास है वही मैं कौन दिखा नहीं रहा तो गाइस ये है इसकी 80,000 की चाबी इसमें आपका घर जाएगा तो गाइस ऊपर कर दिया अब इसको हम रिवर्स करके पीछे लेके जाएंगे पहले इसको ऑन करते हैं स्टार्ट कर ले रिवर्स कर दिया अब धीरे धीरे क्योंकि हमें इसका रिवर्स समझ नहीं आ रहा और भैया की जिनके बाइक है उनको भी समझ नहीं आ रहा भाई बहुत भारी बाइक है सोच उफ तो गाइस बिल्कुल वाइब्रेशन फील नहीं हो रही और भसड़ी भारी बाइक है भाई ये भाई ऐसा लग रहा है किसी बड़े से ट्रक पे बैठ गए हैं और ये तो भाई कॉन्फिडेंस थोड़ा सही बोला था भैया ने कम ही आ रहा है आगे इसमें फुट पैक रखने की भी जगह है और बहुत ही मैसिव है मेरे को डर लग रहा है इसमें भाई इतना डर लग रहा है डर तो गाइस का आगे का गाना गुना तो हम कुछ चलाएंगे नहीं इसमें पर बाकी मोड्स वगैरह आप देख सकते हो ऑन बोर्ड इसमें क्या ऑन बोर्ड कंप्यूटर में पूरी डिटेल दिखाता है इसके अलग अलग मेन्यू दिखाता है भैया भी देखते हुए जा रहे हैं कि ये सोफे पे कौन बैठा है और बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर है इसका बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड कॉर्नर कूर्नर तो हम ट्राई भी नहीं करना चाहते इस पर नॉर्मली चल जाए वही बहुत है बहुत ही और आगे आप पैर भी देख सकते हो बढ़िया रखा हुआ है सीटिंग ग्रिप्स हैं इसमें हैंडल बार है भैया तो गाने लगा के चला रहे थे वो सब हमें आता नहीं है इसमें और ना ही हम करने की वो लेंगे बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है भाई ओहो हो मतलब लग रहा है कि 1% वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में 1% मतलब मानोगे नहीं कि ऐसा लग रहा है कि सही में मैं अपने सोफे पे बैठा हूँ ऐसे घर में और चला रहा हूँ और पीछे लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं पावर तो मैं इसकी देखना भी नहीं चाहता क्योंकि जिस साइज का ये चीज़ है तो भाई ये कुछ कातिल ही चीज़ है कातिल तो हम यहीं से भैया को दे देंगे क्योंकि हम इसको टर्न टून करके रिस्क नहीं लेना चाहते अदरवाइज मैनेवेबिलिटी अगर आप देखो तो अच्छी है जिस साइज की ये बाइक है उस हिसाब से तो बहुत ही खतरनाक है और इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते हम दाएं बाएं करने का इसको और अभी आदत भी नहीं है कि इतनी बड़ी बाइक को कैसे हम टर्न कटवाएंगे बट हमने जैसे तैसे कटवा लिया अभी आगे पिट स्टॉप के बाहर रोक देते हैं भैया को दे देते हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे नाके के पास यहाँ से लेंगे टर्न सो अभी मेन मुद्दा है इसको मुड़ाने का जो टर्न लेना ना राइट टर्न बस मेन रीज़न वही है भाई देख लिया जाए जो राइट टर्न इंडिकेटर तो नहीं दिया अभी तक ये
फाक, आराम से शाबाश ना कि हम इसको रोक देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बाइक है यार। इतनी बड़ी बाइक हम चला नहीं सकते और ना ही हमारी औकात है। 40 लाख की बाइक है यार ये, 40 लाख मतलब कहने की बात है 40 लाख। और जितने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मुझे लग रहा है कि भाई ये कुछ बवाल ही चीज़ है, बवाल। आप खुद देखो यार, इतनी मैसिव लग रही है यार। और अंकल की अलग आशिकी चल रही है, बहुत ही अमेजिंग है। और ये भी जब ऊपर होता है ऑटोमेटिकली, तो उससे आप देख सकते हो इसमें मोड भी बहुत सारे हैं। ये रोड मोड है, डायनेमिक मोड है, रेन मोड। आई हैव नो वर्ड्स, इट्स सो कंफर्टेबल भैया। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, भगवान करे जल्दी से H2 हम दोनों साथ में ही लें। मिलते हैं जल्दी, एक दिन कोशिश। पावर तो आप लोग देख ही रहे हो, इतने सारे ब्लॉग्स में पावर है। गाइस 100 वीडियोस अपलोड भी पूरा होने वाला हमारा, तो उससे पहले कम से कम 5K 10K तो करा ही दो भाई। पूरी मेहनत चल रही है अपनी। ये रोड साइड खड़े होके फोटो शूट चल रहा, सड़क पे ही आ जा, बीच में खड़े हो जाए यहाँ पे। ये वेन्यू वाले भी अपने आप को BMW वाले समझने लगे तो फिर तो केस खराब हो ही जाएगा। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और भाई को ले जाओ उन ऊंचाइयों पे जहाँ ये बाइक डिजर्व करती है। अगर मैं डिजर्व नहीं भी करता तो बाइक जरूर डिजर्व करती है वो पोजीशन, वो रुतबा, वो नॉलेज कि भाई ये किसकी बाइक है, कौन है। तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, प्यार बरसाते रहो। पीस आउट।